नमस्कार, स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह और आज देश को जवाब दो में सवाल आपकी सेहत से जुड़ा हुआ होगा। कोरोना काल में खौफ के बीच एक और मौत का साया हवा में उड़ने लगा है। लोग इसे ब्लैक फंगस कह रहे हैं। फंगस तो आप सब जानते हैं, दांत भी फंगस ही है, खुजली भी फंगस की वजह से होती है, मशरूम भी एक तरह का फंगस है, लेकिन ये ब्लैक फंगस मौत का फरमान है। ये कोरोना से ठीक हुए मरीजों को मौत बांटने का काम कर रहा है, उनके शरीर में घुसकर उनके दिमाग पर कब्जा कर उन्हें मौत की नींद सुला रहा है। आज से 6 महीने पहले तक इस बीमारी के इक्का दुक्का केसेस आते थे, लेकिन अब 1 महीने के अंदर 5000 से ज्यादा केसेस लोगों को डराने लगे। कहीं ये भी तो कोरोना की तरह महामारी का रूप तो नहीं ले रहा है, क्योंकि इसके लिए भी सिस्टम तैयार नहीं है और इसे ज्यादा खतरनाक नहीं मान रहा। तो आप और हम आपको आज बताएंगे कि कैसे इससे बच पाएंगे। कोरोना से ज्यादा खतरनाक है ये ब्लैक फंगस और कैसे देश के 12 राज्यों तक इसने पैर पसार दिए, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल मौजूद होगा। इस बीमारी से बचना कैसे है, इसके लक्षण का पता कैसे चलेगा, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले स्थिति इस ब्लैक फंगस को लेकर क्या है, उसके लिए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले कोरोना से हारा, अब हवा में एक और हत्यारा। चारों ओर फैली है मौत, क्योंकि ब्लैक फंगस आया है लौट। जानोगे तो बच जाओगे, अनदेखा किया तो पछताओगे। कोरोना के बाद एक और वायरस हवा में उड़ने लगा है, इसका नाम है ब्लैक फंगस। ये पाउडर की तरह हवा में उड़ता है, ये सांसों के जरिए, मुंह के जरिए या फिर किसी चोट के जरिए सीधे खून में मिल जाता है और मौत का फरमान सुनाता है। कोरोना से ठीक हो रहे मरीजों को इस वायरस से ज्यादा खतरा है, क्योंकि कोरोना को ठीक करने के लिए आपको जो स्टेरॉइड लगाए गए हैं वो ब्लैक फंगस को ताकत देते हैं। इसके अलावा आपको डायबिटीज है तो मौत का ये काला साया मौत की नींद सुला सकता है। हालांकि अगर समय पर इलाज मिल जाए तो ये एक सामान्य बीमारी है। इसके शुरुआती लक्षण में आंखों में दर्द, आंख लाल होना, नाक में दर्द, बुखार, सिर दर्द, सांस लेने में परेशानी, खून की उल्टी। अगर इन लक्षणों को आपने नजरअंदाज किया तो पहले आपके आंख की रोशनी जाएगी, फिर नाक और जबड़े की हड्डी गलेगी और उसके बाद दिमाग में फंगस का कब्जा होगा और मौत अपने आगोश में ले लेगी। ब्लैक फंगस का इंसिडेंस अभी बढ़ गया है कोरोना के बैकड्रॉप में। कोरोना में कुछ दवाइयां चल रही हैं और जिनको डायबिटीज ज्यादा है उन लोगों को रिस्क है ब्लैक फंगस होने का। और ये जो लोगों को हो रहा है वो लोग जो बहुत दिन से हॉस्पिटलाइज है, हाई ऑक्सीजन डिमांड चल रहा है और सारी मेडिसिन चल रही है, ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज उन लोगों को ही हो रहा है ज्यादातर। हालांकि सरकार का कहना है कि ये इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, कुछ सावधानियों से इससे बचा जा सकता है। लेकिन ये फंगस जो है लो विरुलेंस है, यूजली इन्फेक्शन नहीं करता है। और अगर हम कोविड से पहले की बात करें तब भी ये फंगल इन्फेक्शन देखा जाता था, लेकिन इसकी इंसिडेंस बहुत कम थी और रेयर इन्फेक्शन था। सावधानी अपनी जगह, लेकिन ब्लैक फंगस को मारने वाली दवाओं का देश में कितना उत्पादन हो रहा है उसके बारे में भी जान लीजिए। इस बीमारी से भी बचकर रहें और इसका इलाज, क्योंकि दवाइयां हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उम्मीद है अगले 10 दिन के अंदर शायद ये दवाइयां उपलब्ध हो जाएंगी। तो स्टीरॉइड्स का उपयोग कम से कम करें, खासतौर पर अगर डॉक्टर की सलाह ना हो तो। ब्लैक फंगस क्यों डरा रहा है उसका कारण भी समझ लीजिए। देश में 12 सेंटर पर 21 महीने तक ऐसे मरीजों के आंकड़े जमा किए गए तो पता चला कि एक साल में औसतन 22 मरीज मिलते हैं, लेकिन पिछले एक महीने में एक ही म्यूकर के 5000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और इस बीमारी को ठीक करने वाली दवा की किल्लत होने लगी है। लक्षण को जल्दी पहचानिए, क्योंकि बढ़ जाने पे इलाज भी बहुत म्यूटिलेटिंग हो सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। यदि आपको कोविड हुआ हो और उसके बाद नाक बंद हो, नाक से स्राव हो रहा हो, खासकर रक्त मिला हुआ स्राव, आँखों के आसपास सूजन हो, पेट खराब रह रहा हो, बुखार हो, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। दावे और हकीकत सामने है। कोरोना काल में ब्लैक फंगस से लड़ाई कैसे होगी ये तो समय और सरकार की तैयारियां बताएंगी, लेकिन आपने अपना ख्याल नहीं रखा तो मुसीबतें बड़ी हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। आपने जो इस रिपोर्ट में देखा, यकीन मानिए कि ब्लैक फंगस आपके लिए उतनी ही खतरनाक साबित हो सकती है। कहां तो पूरे साल भर में इसके 22 मामले सामने आते थे, और पिछले एक महीने से देखें तो देश भर में 5000 केसेस सामने आ चुके हैं, और यह जानलेवा साबित हो सकता है अगर थोड़ी भी लापरवाही बरती गई तो। ऐसे में हर एक जानकारी आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हिंदुस्तान आपको उन तमाम सवालों को जवाब देने का कोशिश आपके सामने कर रहा है जो सवाल इस ब्लैक फंगस को लेकर आपके जहन में। हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी जुड़ गए जो कि डायरेक्टर है स्टार हेल्थ इमेजिन सेंटर के। इसके अलावा डॉक्टर कीर्ति वर्धन भी हमारे साथ जुड़ गए जो कि एमडी है इंटरनल मेडिसिन के। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कीर्ति वर्धन जी आप ही से करते हैं, ये ब्लैक फंगस क्या है अगर आप आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझा पाए तो, ये कितनी घातक है और इसके लिए क्या कदम जो लोग अभी टीवी पर शो को देख रहे हैं उन्हें उठाना चाहिए एहतियात के तौर पर? कहना ये चाहता हूँ कि ये जो ब्लैक फंगस है, जो इसको मैं आसान भाषा में समझाना चाहूँ, ब्लैक फंगस यानी कि एक फंगस है ये, और ये अन्य कुछ नहीं है। इसके अलावा ब्लैक फंगस एक सिर्फ फंगस वाली बीमारी है। ये हमारा इम्यून सिस्टम जैसे ही कमजोर होता है, जैसे कोई भी HIV एड्स, ये पहले भी थी, ये कोविड से पहले भी हमारी उसमें थी, जैसे कि एड्स हो जाता है कि या कोई भी पेशेंट कैंसर का भी था तो उसको भी ब्लैक फंगस या म्यूकोमाइकोसिस हो रही थी। अत्याधुंध जो है, हम जिस तरह का स्टेरॉइड का जो इस्तेमाल हो रहा है उससे कुछ बचे, यदि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ना हो और उसकी एडवाइस ना हो तब तक स्टेरॉइड का इस्तेमाल ना करें। और ये जानलेवा जब डायग्नोज नहीं होती है तब हो जाती है। अगर आपको किसी चेहरे के हिस्से में भारीपन नजर आने लगे या आंख आपकी लाल हो जाए किसी भी तरीके से जी, तो आप ये मान लीजिए कि ये ब्लैक फंगस के लक्षण है, और तुरंत संबंधित चिकित्सक को दिखाएं और अपना MRI टेस्ट करवाएं जो कि चिकित्सक के निर्देश पर हो, और इसका इलाज फौरन और जल्दी हो जाता है। तो क्या अगर शुरुआती स्टेज में इस ब्लैक फंगस को पकड़ लिया जाए डॉक्टर साहब, तो ये पूरी तरह से क्योरेबल है आसानी से? बिल्कुल पूरी तरह से क्योरेबल है, अगर ये शुरुआती स्टेज में पकड़ लिया जाए तो पूरी तरीके से क्योरेबल है। ठीक है, लेकिन डायग्नोस करना बहुत बड़ी एक चुनौती होती है, क्योंकि कई लोग पशुपेश की स्थिति में रह जाते हैं। डॉक्टर समीर भाटी, कई लोग सोचते हैं हो सकता है कि ये इन जनरल हो, क्योंकि कोविड के बाद ये ज्यादातर लोगों में पाया जा रहा है, तो लोग ये सोचते हैं कि कमजोरी तो पहले से ही, हो सकता है कि उसी तरीके के कोई लक्षण हो। डायग्नोस करना कितना जरूरी है और कितनी जल्दी इसे डायग्नोस किया जा सकता है अगर लक्षण दिख रहे हैं तो? देखिए, एक बार हमें समझ लेनी जरूरी है, अगर हम इस लहर की बात करें, पिछली जो आपकी लहर है उससे इस बार की तुलना करें, तो ये सबको समझ लेना जरूरी है कि इस बार संक्रमण बहुत तेजी से फैला था, बहुत लोगों को हुआ था, बहुत ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए थे। अब इसमें एक चीज जानने वाली जरूरी है कि अगर ये सब चीजें ज्यादा थी, हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा था, आपका पॉजिटिविटी रेट ज्यादा थी, सब कुछ ज्यादा था, तो उसके बाद जो पोस्ट कोविड वाली कोई भी बीमारी भी होगी ना, तो वो भी ज्यादा देखी जाएगी। अगर हम तुलना करें पिछली बार, तो पोस्ट कोविड के बाद जो भी बीमारियां, उनमें से एक बीमारी है ये म्यूकर माइकोसिस, या जिसको अभी ब्लैक फंगस हम कह रहे हैं, वो भी उसमें से एक बीमारी है, उसके केसेस भी काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं। हाँ, अब ये किस में देखे जा रहे हैं, हालांकि ये पहले भी होता था, पर अब ये कोविड के बाद देखा जा रहा है, ज्यादातर उनमें देखा जा रहा है जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रही है, क्योंकि हम भी जो कर रहे हैं, डायग्नोस हो रहे हैं पेशेंट डेली, बट ज्यादातर जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज है, डायबिटीज उनकी अनकंट्रोल्ड है, और वो स्टीरॉयड पे भी काफी समय तक रहे हैं, और उससे क्या होता है कि आपकी ऑलरेडी इम्यूनिटी डाउन है और आप काफी समय तक स्टीरॉयड पर भी हैं, तो आप हाई रिस्क हो गए, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि फिर वो उस तरह के कोई सिम्टम भी है, तो उस तरह के कोई सिम्टम भी है और ये सब चीजें भी आपकी कोरिलेट हो रही है उससे, तो आपको फिर जांच करानी है तुरंत, क्योंकि चाहे हो चाहे आपका ब्लैक फंगस, तो टाइम से जो भी चीज डिटेक्ट हो जाए। कीर्ति वर्धन कह चुके हैं जितनी जल्दी ये क्योरेबल होगा, जितनी जल्दी इसको डिटेक्ट किया जाएगा उतनी जल्दी ये क्योरेबल हो जाएगा, पूरी तरह से इससे हम बच सकते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर साहब आपका रुख करेंगे, लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कैसे फैलता है इस पर स्टडीज क्या कहती हैं, ना नहाने से ये फैल सकता है ब्लैक फंगस, डॉक्टर पार्थ राणा ने ये बात कही है, लंबे नाखून, गंदगी, इन तमाम चीजों से ब्लैक फंगस फैल सकता है, बिना बीमारी के एंटी फंगल दवा खाने से भी इसका गलत असर हो सकता है, तो ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर भी सावधानियां बरतनी है। खुद सुनिए डॉक्टर पार्थ ने क्या कुछ कहा है। जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वो लोग नॉर्मली डे टू डे वो बात नहीं लेते हैं, वो नहाने नहीं जाते हैं,
और खास करके दूसरे भी जो हमारे हाइजीन होते हैं कि जैसे नाखून वगैरह साफ करना होता है, हाथ वगैरह रूटीन धोना होता है, ये सब जो लोग एडमिट होते हैं वो नहीं करते हैं। तो खास करके अगर हम हमारी जो हाइजीन है उसे अगर कंट्रोल में रखें, उसे अगर हम टाइम टू टाइम हम नहाते रहें, नाखून वगैरह साफ करते रहें, तो ये म्यूकर फैलने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। क्योंकि ये म्यूकर की जो ये फंगस जो है वो नॉर्मली हर जगह पे पाई जाती है, वो हमारे मतलब एनवायरनमेंट में भी है, हम अगर कहें हमारे बेड पे भी होती है, तकिए पे भी होती है, हर जगह पे होती है। पर अगर हम टाइम टू टाइम अगर हम साफ रहें तो ये जल्दी फैलती नहीं है। देखिए, ब्लैक फंगस हो या कोरोना वायरस हो, इसको लेकर जानकारी बहुत जरूरी है और इसलिए जी हिंदुस्तान लगातार हर जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अलग अलग राज्यों की स्थिति भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं प्रमोद हमारे सहयोगी और हितेन हमारे साथ दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हितेन आप ही का रुख करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, क्योंकि एम्स में भी कई मामले सामने आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी सामने मामले आ चुके हैं। ऐसे में सरकार के स्तर पर क्या स्ट्रेटेजीज है इस ब्लैक फंगस को लेकर, और चूंकि जानकारी का भी अभाव है तो लोग पैनिक इसको लेकर क्रिएट कर रहे हैं, क्या कहा जा रहा है डॉक्टर्स की ओर से? और देखिए, डॉक्टरों की अगर बात करें तो जो एम्स के जो डायरेक्टर है रणदीप गुलेरिया, वो आज खुलकर सामने आए और उन्होंने साफ साफ कहा कि एम्स में 23 केस है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी फंगस के केस जो है वो लगातार देखने मिल रहे। साथ ही साथ एनसीआर के दूसरे इलाकों की बात करें तो हरियाणा से सटे हुए इलाकों में भी अब ब्लैक फंगस के केस देखने मिल रहे। लेकिन रणदीप गुलेरिया ने, डॉक्टर ने साफ कहा कि ये कोई नई बीमारी नहीं है, इसके पहले भी ये केसेस देखने मिलते थे, लेकिन ये पोस्ट कोविड के बाद अब ये ऐसे केसेस जो है वो लगातार बढ़ने लगे। ऐसे में जो दवाइयाँ थी ब्लैक फंगस की, उन दवाइयों की किल्लत भी जो है देखने मिल रही है, क्योंकि पहले काफ़ी कम केसेस देखने मिलते थे, पहले एक महीने में 10 से 12 केसेस देखने मिलते थे, लेकिन अब जब से कोरोना की दूसरी लहर बढ़ी है तब से हजारों में ये केसेस जो है वो देश भर से अलग अलग इलाकों से जो है वो देखने मिल रहे। इसके चलते अब लोगों में अवेयरनेस नहीं थी कि हमें किस बात का ध्यान रखना है, किस बात का ध्यान नहीं रखना है, और उसके जो सिम्टम्स है वो क्या क्या है, ये हालांकि लोगों को पता नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी अवेयरनेस था जो है वो लोगों को आने लगी है। तो दवाइयों की किल्लत जो वो देखने मिल रही है। ऐसे में भारत सरकार ने एक कदम उठाया, भारत सरकार ने जो ब्लैक फंगस की दवाइयां थी उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाने के लिए जो एक आदेश दे दिया गया है। ठीक है हितेन, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे भोपाल से, हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद, अगर मध्य प्रदेश के हालात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना से लड़ाई जारी है लेकिन दूसरे दुश्मन ने दस्तक दे दी है, ब्लैक फंगस को लेकर मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? देखिए, आपने एक बात बेहतर कही, मध्य प्रदेश में जो इस समय सटीक बैठती है वो ये है कि एक दुश्मन से पर अभी हमने पार नहीं पाया और दूसरे ने दस्तक दे दी है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कोरोना से लगातार जो स्थिति है वो भयावह बनी हुई है, और ऐसे में ब्लैक फंगस संक्रमण का आ जाना, देखिए ये एक बड़ी मुसीबत है और सरकार लगातार इससे निपटने के लिए कदम उठा रही है। देखिए, ब्लैक फंगस से निपटने के लिए सरकार ने अलर्ट जारी किया है और सरकार का एक यही प्लान है कि ग्रामीण क्षेत्र तक संक्रमण ना फैले, इसकी चैन को ब्रेक करना है। आज लगभग 2.5 घंटे मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी और प्रदेश के जो बड़े शहर हैं भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इसके अलावा रीवा, इंदौर में जो बड़े मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर इसके इलाज के लिए देखिए एक खास कार्ड बनेंगे और वहां पर ब्लैक फंगस का इलाज होगा। इस संक्रमण की चैन को ब्रेक करना है। इसके साथ साथ पोस्ट कोविड सेंटर खोले जा रहे हैं। सरकार ने, शिवराज सरकार ने कदम उठाना शुरू कर दिया। प्रमोद, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे डॉक्टर कीर्तिवर्धन, लेकिन अभी तक जो तमाम बातें हुई हैं, डॉक्टर राणा के बारे में भी हम बता रहे थे, पार्थ राणा ने कहा कि अगर आप हाइजीन रखेंगे तो ब्लैक फंगस से आप बचे रहेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अब तक पिछले बार के जो कोरोना केसेस थे उनमें जो मौतें हुई थी 50% मौतें ब्लैक फंगस की वजह से हुई थी और इस बार जो 30% मौतें हुई हैं इसी ब्लैक फंगस की वजह से हुई है। सर, इसको लेकर रिसर्च क्या, स्टडी क्या है? सारा कुछ कोविड में जितनी भी सारी रिसर्च और स्टडीज चल रही है सारा कुछ एक ह्यूमन ट्रायल के तरीके से है। जैसे कि अभी हम लोग इसको डायग्नोज कर रहे हैं कि अभी कोविड के पेशेंट में ऐसा मालूम चल रहा है तो कि डेथ सारी ब्लैक फंगस की वजह से भी हुई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, जी जी, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट ना होने पाए, और जैसे कि दवाओं की कमी जिसको कहा जा रहा है कि दवाओं की कमी ना हो जाए तो ऐसा ना होने लगे कि इसकी जो दवाएं हैं वो आम पब्लिक बहुत ज्यादा खाने लगे जी। कि एंटी फंगल ड्रग्स लेने लगे कि हमको ये ना हो और वो ना हो, तो इससे बचे, इस तरह की अफवाह से पूरी तरह से बचे कि जिससे कि दवाओं की शॉर्टेज ना हो जाए मार्केट में।
और कंजम्पशन बढ़ जाए या लोग स्टॉप कर ले या कुछ ये वाजे बात आपने कही डॉक्टर, क्योंकि अभी तक ये देखने को भी मिला है कि जब लोगों को ब्लैक फंगस के बारे में पता चला तो कुछ लोगों ने दवाओं की स्टॉकिंग करना शुरू कर दी है। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर विमल कारक भी जुड़ गए जो कि फॉर्मर सुपरिटेंडेंट है पीएमसीएच के। विमल कारक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान पर। आज जो ब्लैक फंगस को लेकर स्थिति है, खासतौर पर अगर राज्यवार समझने की कोशिश करें, बिहार के हिसाब से समझने की कोशिश करें, यहां पर भी केसेस आना शुरू हो गए सर, तैयारियां डॉक्टर्स के स्तर पर क्या होनी चाहिए इससे? देखिए 22 पेशेंट पटना में देखने को मिला है, जिसमें यहाँ के जो बड़ीय नेत्र सर्जन हैं डॉक्टर सुभाष प्रसाद, जिनके यहाँ 10 केस आया था, जिसमें 4-5 के माने रोशनी, आंख की रोशनी चली गई है और 4-5 का रोशनी कम हो गया है। यहाँ IGMS में, पारस में, रूबन में, मेडिवर्सल में और एम्स में बहुत सारे केसेज आ रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के चलते 50% केस हो रहा है ऐसा इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ये होता है कि जब यहाँ पे जो कोरोना का केस हुआ, कोरोना के केस के बाद जो इम्यूनिटी कम हो जाता है, तो इम्यूनिटी कम हो जाता है इंसान का उस स्टेरॉयड देने से, तो उसमें हम लोग उसको ब्लैक फंगस में कहते हैं कि ऐसे भी कम होता है स्टेरॉयड चले जाने से, कोरोना पेशेंट का इम्यूनिटी कम हो जाता है, ब्लैक फंगस हावी हो जाता है जी। तो फंगस के चलते ब्लड वेसल मल्टीप्लाई करता है और क्रैनियल नर्व को डैमेज करता है। विमल कारक जी एक बात आपसे समझना चाहूंगा बहुत आसान शब्दों में, कि जो कोरोना पेशेंट्स हैं वो कोरोना से ठीक हो गए, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, उसके बाद अगर ब्लैक फंगस उन्हें होता है तो क्या ये बहुत तेजी से काम करता है या फिर धीरे धीरे ये लोगों के अंदर जड़ बनाना शुरू करता है, उसके बाद लोगों की जान जाती है? नहीं देखिए, ये धीरे धीरे जड़ बनाने की कोशिश कर रहा है जी। बहुत तेजी से ब्लैक फंगस नहीं हो रहा बिहार में। मैं पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और जो मेडिकल कॉलेज है इन सबों का आपको रिपोर्ट दे सकता हूँ। पटना में 4 मेडिकल कॉलेज है, 22 पेशेंट अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं ब्लैक फंगस के, तो बहुत तेजी से ये हो नहीं रहा है। ब्लैक फंगस जो है इसका जो ब्लड वेसल मल्टीप्लाई करता है और कोई क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है, पर्टिकुलरली फेशियल नर्व को, जिसके कारण मरीज को फेशियल पैल्सी, आई पेन, इनएबिलिटी टू क्लोज आई, ये सब इनिशियल सिंड्रोम मिलते हैं, सिम्टम मिलते हैं इसके, फीवर भी आ जाता है। फिर जब ये ब्रेन में जाता है तब एब्सेस बना सकता है और इमरजेंसी इलाज की जरूरत होती है, उस समय इलाज में हम लोग म्यूकोसल बायोप्सी करते हैं। तो इसलिए बहुत तेजी से नहीं हो रहा और बिहार सरकार इस पर सजग है। ठीक है, हमारे प्रधान सचिव जो हैं इस पर बैठक। ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर इसके लिए पहले से सरकारें जो है वो कदम उठा रही। प्रमोद हमारे सहयोगी मध्य प्रदेश के लिहाज से भी जानकारी दे रहे थे कि वहां पर सरकार ने पहले बैठकें करके इस पर रोडमैप बनाना शुरू कर दिया। एक बार फिर से आपका रुख करते हैं, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ब्लैक फंगस को लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, कोरोना से पहले भी ये होता था, डायबिटीज के मरीजों पर ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा रहता है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। एक और जो विषय इम्पोर्टेंट है इसी में इन्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है जो हम कहते हैं कैम, कोविड एसोसिएटेड म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है, इसके जो स्पोर्स हैं इस फंगस के वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, कुछ हद तक ये कहते हैं कि फूड में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये फंगस जो है लो विरुलेंस है, यूजली इन्फेक्शन नहीं करता है। और अगर हम कोविड से पहले की बात करें तब भी ये फंगल इन्फेक्शन देखा जाता था, लेकिन इसकी इंसिडेंस बहुत कम थी और रेयर इन्फेक्शन था उन लोगों में देखा जाता था जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, या जिनको ट्रांसप्लांट हुआ हुआ और फिर वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे जिससे उनकी इम्यूनिटी कम है, या कैंसर के ऐसे पेशेंट्स हों जो कीमोथेरेपी पे हैं। आम लोगों में ये यूजली नहीं पाया जाता था, तो इसलिए नई बीमारी नहीं है। लेकिन कोविड के कारण और कोविड की ट्रीटमेंट के कारण इसके केसेस अब काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, कई क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। यानी इम्यूनिटी कम होना और शुगर के पेशेंट होना ये घातक हो सकता है और ऐसे में आप लोगों को ज्यादा इस पर एहतियात बरतने की जरूरत है। डॉक्टर समीर भाटी साहब, क्योंकि जिस तरीके से रणदीप गुलेरिया जी भी कह रहे थे कि या तो कैंसर के कोई पेशेंट हैं या कीमोथेरेपी कभी हुई हो या फिर आप जैसा कि मैं पढ़ भी रहा था कि आप वेंटिलेटर्स पर ज्यादा रहे हो, आपको ऑक्सीजन एक्सेस मात्रा में दी गई हो या आप शुगर के पेशेंट हो, क्या यही कारक हैं और यही लोग हैं जो कि इस चपेट में आ सकते हैं या फिर कोरोना का कोई भी पेशेंट हो वो ब्लैक फंगस का शिकार हो सकता है?
नहीं बिल्कुल नहीं, इसको क्लियर कर लेना जरूरी है सबको कि सबसे पहले जो बात की जा रही है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनकी इम्यूनिटी पहले से कम है, अब वो डायबिटिक्स भी हो सकते हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, या उसके अलावा जैसे जो जिनका कीमोथेरेपी चल रही है, और भी किसी तरह की कोई ऐसी गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपका ये वायरस है ये भी इम्यूनिटी डाउन करता है। तीसरी बात, क्योंकि बहुत अधिक जिनका सीवियर डिजीज होती है, जिनकी मॉडरेट होती है, तो उनको स्टीरॉयड भी दिया जाता है, तो स्टीरॉयड भी आपकी इम्यूनिटी डाउन करता है। तो इस तरह से काफी सारे कारक हो जाते हैं जिनकी वजह से इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो जो ये वाला वायरस है, इस ये वाला जो आपका फंगल इन्फेक्शन है, कि जैसे आपकी इम्यूनिटी डाउन हुई, इसकी एंट्री हो गई। अब एंट्री भी कहां से होगी, जैसे हम कोविड के लिए बताते हैं कि मुंह से, नाक से, इनसे तो एंट्री होगी, और कहीं अगर आपका कटा हुआ कोई भी ऐसा, कहीं आपको चोट लग गई है उस वाले हिस्से से भी। तो इसलिए जो अभी आपने बताया, दिखाया भी अपनी रिपोर्ट में, कि इसमें साफ सफाई रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्पेसिफिकली उन पेशेंट्स को जिनमें ऑलरेडी कई गंभीर बीमारियां चल रही है और जो कोविड से रिकवर हुए हैं, अभी ज्यादातर केसेस वही देखे गए, तो वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और टाइम से डायग्नोज करना और टाइम से ट्रीट करना वो बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है हितेन, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। हितेन, एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि अभी पूरे देश जनता का ध्यान तो कोरोना से लड़ने पर है, लेकिन ऐसे में एक नए वायरस का अटैक कर देना या एक नई बीमारी का अटैक कर देना बहुत बड़ी चुनौती सरकार के स्तर पर भी है, लोगों के लिए भी है, कि वो उस पूरी बीमारी को समझे और उसका इलाज करवा पाए। बिल्कुल, देखिए सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ सरकार अभी जो है कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही है, वैक्सीन की कमी हो या फिर ऑक्सीजन की कमी हो, बेड्स की कमी हो, ये व्यवस्थाएं खड़ी करने में सरकार का पूरा ध्यान जो है वो केंद्रित है। गांवों से कोरोना को दूर करने पर सरकार का ध्यान जो पूरी तरह से केंद्रित है। ऐसे में दूसरी बीमारी का अटैक करना ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन फिर भी आज जब प्रधानमंत्री ने जो बैठक ली थी, उस बैठक के अंदर साफ साफ जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि कोरोना के साथ साथ इस बीमारी पर भी ध्यान दिया जाए, कि ये बीमारी भी जो है भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा ना बन जाए, और इससे भी मौत का आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना के तर्ज पर ही ना बढ़े, इस बात के ध्यान रखनी होगी। ये सरकार ने कहीं ना कहीं गंभीरता से इस बीमारी को लिया है, और इसीलिए अलग अलग डॉक्टरों से भी जो है लगातार सलाह ली जा रही है कि आखिरकार इसका उपाय क्या किया जाए। जैसे रणदीप गुलेरिया आज खुद स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे लव अग्रवाल के साथ, उन्होंने जिस तरीके से इस बीमारी के बारे में पूरा डिटेल में बताया, तो वहां से साफ होता है, जाहिर होता है कि सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है कि हम कोरोना के साथ साथ इस बीमारियों से एक साथ लड़ रहे हैं तीन, तो वहां पर हमें सफलता जरूर हासिल होगी अगर हम सब एक साथ रहेंगे, सरकार साथ देगी तो। हालांकि कालाबाजारी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर कदम उठाए जाने की जरूरत है। प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम डॉक्टर्स का पैनल भी हमारे साथ बना हुआ है, तमाम बातचीत होती रहेगी। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, गाजा में छिड़ी जंग के बीच अल जजीरा की बिल्डिंग पर हमला किया गया है। इसराइल ने अल जजीरा की बिल्डिंग पर मिसाइलें ताक दी हैं। एक घंटे पहले इसराइल ने हमले की धमकी दी थी, जिसके बाद बिल्डिंग खाली करवा ली गई, और अब जैसा कि इसराइल ने कहा था वैसा ही करके दिखाया, अल जजीरा की बिल्डिंग पर यह हमला किया गया। एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें जी हिंदुस्तान आपको दिखा रहा है, आपसे कुछ देर पहले की ये तस्वीरें, हमास और इसराइल के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, उस जंग की ये भी एक तस्वीर है जहां पर गाजा में हमला किया गया है, और इस हमले के बाद अब किस तरह का जवाब दूसरी पक्ष की तरफ से दिया जाता है, यह भी देखने वाली बात है। इससे पहले भी इसराइल ने हमले किए हैं और उन हमलों का जवाब देने की बात कही गई, लेकिन एक और हमला गाजा पर किया गया है, ये अल जजीरा की वो बिल्डिंग है जिसे उड़ा दिया गया है। गाजा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हिंदुस्तान एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें दिखा रहा है, और कुछ देर पहले की तस्वीरें जहां पर इसराइल ने अल जजीरा की उस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। बड़ी बात यह थी कि एक घंटे पहले धमकी दे दी गई थी, और एक घंटे पहले जब धमकी दे दी गई थी तो इसे बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया था। हालांकि नुकसान कितना हुआ है, कितने लोग इसमें झुलसे हैं, यह भी जानकारी नहीं मिल पाई है। बहुत शुरुआती ये तस्वीरें हिंदुस्तान एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां पर इसराइल ने अल जजीरा की बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया है। गाजा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, धमकी के एक घंटे बाद इस बिल्डिंग को गिरा दिया गया है। देश को जवाब दो, आप देख रहे हैं, कैसा खतरा देश के सामने मुंह बाए खड़ा है, जिसको लेकर अगर जानकारी हुई और समय पर इलाज मिल गया तो ठीक, नहीं तो तबाही बहुत बड़ी हो सकती है। और ऐसे में इससे बचना कैसे है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके बचने के उपाय क्या हैं, वो सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल मौजूद है, डॉक्टर समीर भाटी, डॉक्टर कीर्तिवर्धन और डॉक्टर विमल कारक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विमल, मैं आपके पास आऊं, क्योंकि जिस तरीके से ब्लैक फंगस के तमाम स्टडीज सामने आई हैं, जिस तरीके से अब तमाम केसेस सामने आ रहे हैं, अब इसके बचाव को लेकर भी बहुत ज्यादा बातें होने लगी हैं।
बचाव के साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि इसका टारगेट एरिया क्या है, शरीर के किन किन अंगों पर यह ज्यादा फोकस करता है, कहां कहां ज्यादा नुकसान हो सकता है। देखिए, ये शरीर के चेहरे पे, आंख पे, मसूड़ों पर, नाक पर, हड्डी पर, तालू के हड्डी पर ये इफेक्ट करता है जी। तो सबसे पहले मैंने बताया कि देखिए, इसके लिए प्लानिंग सरकार को करनी पड़ेगी। जितने भी आई स्पेशलिस्ट, क्योंकि इसमें आंख की रोशनी चली जाती है या आंख की रोशनी कम हो जाती है, इस पर जितने भी आई स्पेशलिस्ट है, खासकर मेडिकल कॉलेजों में और पीएससी में, सब डिविजन हॉस्पिटल में, तो सरकार को इसका एक प्लानिंग करना पड़ेगा। खासकर भी मैं बिहार का हूँ, बिहार में अभी सुपरिटेंडेंट था, आईएमए का प्रेसिडेंट था, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के बिहार सरकार को, सभी आई स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर्स को बुलाना चाहिए। और इस पर देखिए, जहां तक दवा की कमी का सवाल है, तो मेरे समझ से इसमें जो दवा एम्फोट्रेसिन और ये आइसो मिल्कोफेनाजोल चलता है, कमी अभी नहीं है। ये कोई कोरोना की तरह ऐसा नहीं है कि वैक्सीन नहीं भर पड़ेगी सर, लेकिन, और लेकिन एक सवाल मैं इसी से जुड़ा हुआ आपसे समझ लेता हूँ, उसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है डॉक्टर साहब, क्योंकि आज के दिनों में गर्मी का वक्त चल रहा है तो लोगों को आई इन्फेक्शन होता है, परेशानियां आंखों की होती है, तो वो अंतर कैसे किया जाए कि आपको म्यूक्रोमाइसोसिस वाला ही ब्लैक फंगस है और आपकी आंखों के इन्फेक्शन अलग है, वो डिफरेंशिएट लोग कैसे करें? इसका तो हम लोग म्यूकोसल बायोप्सी करा के देख सकते हैं इसको जी, इसका इसका इलाज है, म्यूकोसल बायोप्सी करते हैं इसमें। ओके सर, ठीक है, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस पर एडवाइजरी जारी कर दी है, जहां ब्लैक फंगस मरीज मिलने पर डॉक्टर सीएमओ को बताएंगे, ब्लैक फंगस के मरीजों का अलग से रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए, अनिल विज ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। तो हर सरकारें जो है अब धीरे धीरे इसके लिए कदम उठाने लगी है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं, हितेन और प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए, प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, क्योंकि एक तरफ तो सरकारें इसके लिए कदम उठाना शुरू कर चुकी हैं, जैसा कि हरियाणा में देखने को मिल रहा है, जैसा कि आपने मध्य प्रदेश को लेकर जानकारी दी, लेकिन दवाइयों की किल्लत, इसके लिए अभी क्या सरकारों ने कोई तैयारी की है? उसको बोल देना थोड़ी देर स्टॉप कर दो। प्रमोद, चलिए, हो सकता है प्रमोद तक आवाज ना जा रही हो, यही सवाल हितेन आपसे, क्योंकि दवाइयों की किल्लत कितनी लोगों को झुलसा सकती है, कितना परेशान कर सकती है, वो अभी हमने कोरोना की दूसरी लहर में देखा, अब ये जब खतरा सामने दिख रहा है, दवाइयों की किल्लत की बात तो मान ली है सरकार ने, लेकिन क्या उसके लिए कदम उठाना शुरू हो चुके? सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय को साफ साफ कह दिया है कि जो ब्लैक फंगस की दवाई है उसका भी अब प्रोडक्शन जो है वो बड़ी संख्या में किया जाए, ताकि लोगों को किल्लतें ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों में जागरूकता लानी होगी सरकार को, कि जो पहले पिछले दिनों हमने कोरोना के इस दूसरे लहर के दौरान जो देखा कि जिस तरह से लोग, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या फिर अन्य दवाइयों के लिए, सड़कों पर बड़ी संख्या में उतर चुके थे, जिन्हें कुछ था भी नहीं तब भी वो खरीद रहे थे दवाइयाँ, वो स्थिति खड़ी ना हो, ताकि दवाइयों की किल्लत ना हो, ये बात का ध्यान जो है सरकारों को अब रखना होगा। स्थानीय लेवल पर प्रशासन को जो है ये जिम्मेवारी देनी होगी कि कहीं ना कहीं वो लोगों को इस जागरूक करे कि जिन्हें कुछ नहीं हुआ है वो पैनिक माहौल का हिस्सा ना बनकर वो किसी भी प्रकार की दवाइयों का प्रोडक्शन जो है वो अपने घरों में इकट्ठा करना शुरू ना कर दे, ताकि दवाइयों की किल्लत जो है जिन्हें बहुत बड़ा पहलू है, आपने वाकई ठीक बात कही है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, उसके बाद आपका रुख कर रहे हैं, ब्लैक फंगस की दवाओं की बाजार में कमी है, ब्लैक फंगस की दवाओं की कालाबाजारी शुरू हो गई है, देश में अचानक बढ़े ब्लैक फंगस के मरीज के चलते कुछ लोगों ने इसकी भी स्टॉकिंग शुरू कर दी, जैसा पहले रेमडेसिविर को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर देखने को मिला, अब ब्लैक फंगस की जो दवा है एम्फोटेरिसिन बी, इसको लेकर भी लोगों ने स्टॉकिंग करना शुरू कर दी। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए, अभिषेक अगर इसकी भी कालाबाजारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके बहुत रेयर केस सामने आते थे, इसीलिए दवाइयों का उत्पादन उतने बड़े स्तर पर नहीं किया जाता था, अब इसकी जरूरत ज्यादा होगी, लेकिन इसकी भी अगर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी तो लोगों के लिए जाहिर तौर पर बहुत बड़ी दिक्कत है, और सरकार को इसके लिए कदम उठाना बहुत जरूरी है यहीं से, इसी वक्त से। बिल्कुल अनुराग, देखिए 30 साल पहले भी ब्लैक फंगस था, और ब्लैक फंगस की जो दवाई, दो ही दवाई है जो 30 साल पहले भी प्रोडक्शन में थी, लेकिन बहुत कम थी क्योंकि ये रेयर केस था जैसा कि आप बता रहे हैं, और डॉक्टर महेश शर्मा ने भी यही बात बताई, क्योंकि वो कैलाश अस्पताल चलाते हैं, उनके पास 5 फंगस के मरीज हैं, तो उनके अनुसार कि ये अगर इन दोनों में से एक दवाई भी अगर अवेलेबल नहीं होगी मार्केट में, तो ब्लैक फंगस के मरीजों को बचाना मुश्किल हो जाएगा।
ऐसे में लोगों को जो पता चल जाएगा, जो जमा खोर है उनको पता चल गया कि दो ही दवाई है मार्केट में, पहले से ही किल्लत है, तो इसको स्टोर करना शुरू कर दे। और सरकार पहले से ही जागरूक हो चुकी है, क्योंकि सरकार जानती है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की तरह अगर इसका स्टोरेज शुरू हो जाएगा तो ब्लैक फंगस से लोगों को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी और तमाम जो सीएमओ से लेकर डीएम तक जो अधिकारी हैं वो भी चौकन्ना हो गए हैं कि कहीं इसकी लेकिन डॉक्टर कीर्तिवर्धन जी, अभी जिस तरीके से ये केसेस सामने आना शुरू हो गए, कुछ लोगों ने स्टॉकिंग शुरू कर दी, कुछ लोगों ने पहले से इस दवाइयों का सेवन करना शुरू कर दिया है, ये कितना खतरनाक हो सकता है? क्योंकि आज डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी खुद बताया कि अगर जो लोग पहले से एहतियात के तौर पर ये दवा खा रहे हैं ये उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ये बिल्कुल खतरनाक है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसको हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस हो जाता है। जी। तो अगर ये हम दवा पहले से ही खाने लगेंगे और अगर वो उसको रेजिस्ट कर गया तो और ज्यादा डेडली है कि हमारे पास फिर दवाओं के ऑप्शन नहीं बचेंगे और फिर उस हालत में मरीज गंभीर अवस्था में पहुंच सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो लोगों को घर पे अगर जो लोग हैं वो जो आपको सुन रहे हैं सर, क्या उन्हें एहतियात बरतने चाहिए? क्योंकि जो कोविड से ठीक होकर घर गए हुए मरीज हैं वो तो सोच रहे होंगे कि कहीं हमें ऐसा ना हो कि ये ब्लैक फंगस पकड़ ले, उन लोगों को किस तरह का एहतियात बरतना चाहिए? उन लोगों को ये एहतियात बरतना चाहिए कि ज्यादातर जो ब्लैक फंगस होती है वो लकड़ियों से और इस तरह की जगहों पे सीनरी और सीनर वाली जगहों पे पनपती है और हमारे एटमोसफेयर में होती है, तो हम सबसे पहले तो ये बचाव रखें, इन सीनर वाली जगहों पे जाने से थोड़ा परहेज रखें और ना जाए, और अपने ऊपर जो बताए गए लक्षण है इनकी नजर रखें कि अगर इस तरह का एक भी लक्षण नजर आता है तो अपने संबंधित किसी डॉक्टर से आप बात करें तुरंत फौरन जाके, लेकिन स्वयं उपचार करें। जी जी डॉक्टर समीर, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है, क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिसको एक बार करवाकर लोग इस बात को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं कि उन्हें म्यूक्रोमाइसिस है या नहीं है, ब्लैक फंगस है या नहीं है? प्रिवेंटिव टेस्ट नहीं है कि आपने करा के देख लिया और आपको पता लग गया कि आपको म्यूकर माइकोसिस है कि नहीं, इस तरह का कोई भी टेस्ट नहीं है। और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, अभी जो हमारे पास टेस्ट आ भी रहे हैं जिनमें हम इसका एक MRI जांच होती है जिसमें ये पता लग जाता है कि इनको है कि नहीं, पर उन पेशेंट्स की जब हिस्ट्री देखी जाती है, उनकी क्लिनिकल नोट्स देखे जाते हैं तो उनमें डायबिटीज अनकंट्रोल मिलती है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया उसमें एक चीज और वो ध्यान रखे, पेशेंट्स जिनकी डायबिटीज को मॉनिटर जरूर करें रेगुलर, क्योंकि वो शुगर लेवल को अगर वो मॉनिटर नहीं करेंगे पोस्ट डिस्चार्ज तो उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब पिछली बार यानी कि पिछले साल जो कोरोना हुआ उस वक्त भी कई ऐसे डायबिटिक पेशेंट थे जो कोरोना से ठीक हो गए, तब ये जो ब्लैक फंगस था उसके केसेस हम या डिटेक्ट नहीं कर पाए या सामने नहीं आए, और इस बार जो कोरोना हो रहा है यहां पर ये केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्या इसकी कोई स्टडी है? डॉक्टर समीर, हाँ जी, देखिए जब मैं आपको अभी जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि जो पिछली वेव थी और इस वेव में जो केसेस है वो बहुत ज्यादा है, अगर ज्यादा आपका ट्रांसमिशन है, ज्यादा केसेस है, ज्यादा हॉस्पिटलाइज पेशेंट है तो आपको जो पोस्ट कोविड वाली चीजें हैं वो भी ज्यादा दिखाई देंगी। ऐसा नहीं है, पिछली बार भी थे पर इस बार ओवरऑल संख्या ज्यादा है तो इसलिए जो ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है ये भी ज्यादा है। ठीक है सर, डॉक्टर विमल कारक, क्योंकि आज के समय में हम लोग वैक्सीनेशन को एक बड़ा हथियार मान रहे हैं कोरोना के खिलाफ, क्या ये हथियार जो है वो कारगर साबित हो सकता है ब्लैक फंगस के ऊपर भी? क्योंकि अगर हमने कोविड की वैक्सीन ले ली तो क्या हम लोगों को दूसरी ऐसी बीमारियां हैं जो कोरोना की वजह से हो रही है उससे भी निजात मिलेगी, या फिर ब्लैक फंगस के लिए सतर्कता अलग से बरतनी है? डॉक्टर विमल, यस डॉक्टर साहब, सवाल मेरा यह है कि जो हम वैक्सीन लगवा रहे हैं क्या इस वैक्सीन के लगाने के बाद कोरोना के जो दूसरे इफेक्ट्स हैं हम उससे सावधानी बरतना छोड़ दें, उसको लेकर निश्चिंत हो जाए कि अब हमें वैक्सीन लग गई है तो ब्लैक फंगस जैसी बीमारियां नहीं होंगी, या फिर ब्लैक फंगस जैसी बीमारी के लिए हमें सतर्कता अलग से बरतनी होगी? वैक्सीन का रोल समझेंगे सर आपसे। इसके लिए कोरोना के जो और बीमारियां हैं, जी मैं तो खुद भी क्या कहते हैं डायबिटिक हूं और मुझे भी कोरोना हो गया था, इसका मतलब थोड़े है कि मैंने डायबिटीज का दवा लेना शुरू नहीं किया। जो डायबिटिक है, जिसको ल्यूकेमिया है या इस तरह की जो बीमारियां हैं उसको उस पर एहतियात रखना पड़ेगा। और मैंने कहा कि म्यूकोसल बायोप्सी इसका इलाज है, जो म्यूकोसल बायोप्सी अगर कराया जाएगा तो इसकी जानकारी मिल सकती है। जी जी,
नहीं सर, तो वैक्सीन लगाने के बाद क्या ये चांसेस हैं कि ब्लैक फंगस जैसी बीमारियां घर कर जाए लोगों के शरीर के अंदर? नहीं, हो सकता है। वैक्सीन लगाने के बाद भी तो कहते हैं कि दो वैक्सीन लगा देंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद ही बहुत सारे लोगों को कोरोना हो रहा है। यानी कि ब्लैक फंगस जो है उसके बाद भी घर कर सकता है शरीर में। डॉक्टर कीर्तिवर्धन कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब प्लीज। वैक्सीन जैसे कि बात कर रहे हैं, जैसे कि वैक्सीन हमने लगवा दी कोविड नहीं होगा या ब्लैक फंगस से हमारा बचाव हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी कोविड की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, किसी भी मालिक ने या किसी भी साइंटिस्ट ने दावा नहीं किया कि आपको कोविड नहीं होगा। वो आपके इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपका इम्यून सिस्टम किस तरीके का है और वो कोविड होता है और नहीं होता है। कोविड होके आप उससे बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं, एक बात ये। और कोविड की जो वैक्सीन है वो एक तरीके, कोविड एक वायरल है और ब्लैक फंगस एक फंगल बीमारी है जो कि किसी भी तरह की अन्य मतलब शुगर या और भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो बीमारियां हैं तो उसमें पाई जा सकती है। तो वैक्सीन लगाने से ये मतलब नहीं है कि आपको दोनों तरह के एहतियात, कोविड बिहेवियर आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा हर तरीके से। और आपको ब्लैक फंगस का खतरा भी हमेशा से, ये पहले भी था और आज भी बना है। बस ध्यान रखना है कि कोविड ट्रीट हो रहे हुए पेशेंट को या कोविड जिनको हुआ है और इलाज चल रहा है उनको अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हो तो इसका तुरंत फौरन तत्काल इलाज लें। ठीक है सर। हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार भी जुड़ गए, अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, डॉक्टर्स का पैनल का रुख करें। लेकिन तुषार, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इलाहाबाद, लखनऊ, इसके अलावा मथुरा, यहाँ पर केसेस आना शुरू हो गए, लोगों की एकाध मौतें भी हो चुकी हैं, तो स्थानीय स्तर पर सरकार और प्रशासन ने इसके लिए क्या तय किया है, किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, प्रशासन इस तरह से पूरी तैयारी कर रहा है और साथ ही सीएम योगी की बात करें तो वो भी लगातार इसको लेकर अपडेट खुद ट्वीट कर करके जानकारी दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि जो भी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं उसको लेकर प्रशासन सचेत है। साथ ही अलग से वार्ड बनाया गया है। आपको बताएं कि लखनऊ के KGMC में और लोहिया अस्पताल में अलग से वार्ड बनाया गया है। विशेष सतर्कता रखी जा रही है, समय समय पर एडवाइजरी जारी की जा रही है कि कोई भी अगर इस तरह के लक्षण उसको मिले तो वो तुरंत पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। मिथाइल एल्को टाइप की जो दवाएं हैं वो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए वो कोई भी जो पेशेंट है वो ना खाए, क्योंकि इससे फंगस की जो चांसेज हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। शुगर के पेशेंट को विशेष निगरानी रखने के लिए कहा गया है कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो विशेष तौर पर निगरानी रखें। साथ ही जो काफ़ी दिनों तक ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे उनको लेकर भी एक विशेष सतर्कता रखने की बात कही गई है प्रशासन के तरफ से कि उनको लेकर विशेष सतर्कता रखी जाए, क्योंकि ऑक्सीजन जब लग रहा था तो उसके बाद से जो शुगर के जो पेशेंट थे उनका शुगर लेवल था वो काफ़ी तेजी से बढ़ जा रहा था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना इसमें करना पड़ा था। उनके ऊपर जो ब्लैक फंगस है वो काफ़ी तेजी से अटैक कर रहा था, तो उनके ऊपर विशेष सतर्कता रखने के लिए स्वास्थ्य टीम को भी कहा गया है कि जो लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर काफ़ी देर तक रहे उनकी एक रिपोर्ट बना के दिया जाए और उनके ऊपर विशेष सतर्कता रखी जाए। अगर आँख पे या चेहरे पे कहीं सूजन आती है तो वो ठीक है, वो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करे और उसके बाद उसका इलाज शुरू होगा। ठीक है अभिषेक, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती इस तौर पर भी है क्योंकि लोग इसे एक बहुत आम सी बीमारी के तौर पर समझेंगे अगर शुरुआत में उसके लक्षण दिखते भी हैं तो कैसे सरकार इसको लेकर जागरूकता फैला पाएगी, क्योंकि यहां पर जरूरी है कि लोगों को जल्द से जल्द मेडिकेशन इस बात का मिले अगर उनमें ब्लैक फंगस का किसी भी तरीके का सिम्टम आता है तो। देखिए, जिस तरीके से ब्लैक फंगस का सिम्टम आ रहा है, लोग डॉक्टर्स जो है वो यही सोच रहे हैं कि इसकी जो शुरुआत है उसको कैसे लोगों तक समझाया जाए कि जो लोग, क्योंकि इसमें जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं उसके वजह से उनका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाता है और इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाने की वजह से ये जो फंगस है वो फैल रहा है। स्टेरॉयड जो दवा है वो स्टेरॉयड का यूज ज्यादा होता है कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए और स्टेरॉयड ही वो कारण है जिसके वजह से ये ब्लैक फंगस होता है। तो ब्लैक फंगस की पहचान करना और उसको कैसे लोगों तक बताएं कि क्या सिम्टम्स आपको शुरुआत में दिखे तो आप तुरंत डॉक्टर से बात करिए, ये अभी तक लोगों को बताया तो नहीं गया है लेकिन इस पर लगातार रिसर्च जारी है और जल्द से जल्द कुछ ना कुछ पब्लिक डोमेन में जरूर डाल दिया जाएगा। अनुराग, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये, अगर अभिषेक वक्त रहते सरकार कदम उठा पाए। डॉक्टर समीर भाटी सर, अगर लोगों को ये बताना हो कि अगर आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा और अगर आप में प्रतिरोधक क्षमता है तो आप ब्लैक फंगस जैसी बीमारियों से लड़ सकते हैं, इम्यून सिस्टम बेहतर करने के लिए क्या किया जाएगा? और साथ ही साथ अगर डाइट की भी बात की जाए, क्या उस माध्यम से भी इस बीमारी से लड़ा जा सकता है?
देखिए जिस तरह से हमने बात की कि चाहे ब्लैक फंगस हो या कोई भी किसी भी तरह की वायरल या बैक्टीरियल या कोई भी फंगल, आपका इम्यून सिस्टम तो डेफिनेटली स्ट्रांग होना ही चाहिए। जिस तरह से कोविड के टाइम में सब लोगों ने इम्यून सिस्टम की बात की है, इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली अपने आप को फिट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से रोज बहुत सारी नेगेटिव न्यूज आ रही है और सब आ रही है, तो इनसे थोड़ा सा आपको बचना है। अपना रूटीन बिल्कुल ठीक रखना है, अपना खान पान बिल्कुल ठीक रखना है। ज्यादा खाने से आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, अच्छा खाने से, टाइम से खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। पूरी ठीक तरीके से आप नींद लें, अपना रूटीन खराब ना करें, सुबह टाइम से उठें, रात को टाइम से सोएं, पूरी नींद लें, अपना हाइड्रेशन ठीक से रखें। जी ठीक है डॉक्टर साहब, जाहिर तौर पर यह बहुत ज्यादा काम आएगी लोगों के। आपका रुख एक बार फिर से कर रहे हैं, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ब्लैक फंगस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश के सीएम है जिन्होंने 5 मेडिकल कॉलेज में स्पेशल वार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, रीवा, ये वो तमाम बड़े शहर हैं जहां पर ये विशेष वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए। स्पेशल वार्ड में ब्लैक फंगस का इलाज ही सिर्फ किया जाएगा। तो ये बड़ी पहल, बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और इसके बड़े इंपैक्ट भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि देखने को मिलेंगे। डॉक्टर विमल कारक, क्योंकि आप फॉर्मर सुप्रिंटेंडेंट है पीएमसीएच के, बिहार के तमाम हालातों को बहुत करीब से देख भी रहे हैं, जरूरत है कि बिहार में भी इस तरह के कदम उठाए सरकार। कमेटी स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के स्तर से बनाया जाए और मैं ये चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेजों में पूरे मेडिकल कॉलेज को कोविड वार्ड बना दिया गया है, दूसरी बीमारियों का इलाज नहीं हो रहा है। तो जैसे आप पोस्ट कोविड वार्ड बना रहे हैं वैसे ही आप ब्लैक फंगस के लिए अलग वार्ड बनाए और उसमें सभी जगह पर वार्ड बना के खासकर बिहार के जो 11 मेडिकल कॉलेज है उसमें इसको बनाया जाए। इसके लिए हम विभाग से अनुरोध करते हैं और इसके लिए हम आईएमए की तरफ से, भाषा की तरफ से, जेडीए की तरफ से एक बार हम स्वास्थ्य सचिव से और स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे भी, ठीक है, और इसके लिए आगे कदम उठाएंगे। डॉक्टर कीर्तिवर्धन, लेकिन क्या अभी तो हम कोरोना की वैक्सीन को लेकर तमाम कवायदे कर रहे थे, अब जरूरत है देश में कि ब्लैक फंगस को लेकर भी वैक्सीन तैयार की जाए? ब्लैक फंगस को लेकर कोई वैक्सीन तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका ह्यूमन ट्रांसमिशन ऐसा नहीं देखा गया है कि इसका मानव से मानव में संक्रमण हो रहा है। ये एयरबॉर्न है, ये पहले से ही थी और इसका इलाज साधारण एंटी फंगल मेडिसिन से हो जाता था। इस समय जैसा कि हमने ये देखा है, एक छोटी सी बात इंक्लूड करना चाहूंगा कि जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है वो इस समय उसने एक अलग ब्लैक फंगस का वार्ड बनाने की घोषणा कर दी है और अलग से उन रोगियों को रख के उनका इलाज किया जाएगा जो कि कोविड से ग्रस्त है और साथ में उनको ब्लैक फंगस भी हो रहा है। जैसे कि कानपुर में कल नए केस आए हैं, उनको अलग रख के और एक न्यूरो सर्जन की टीम बनाई गई है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की टीम बनाई गई है और आई सर्जन है। बेसिकली अगर मैं आपसे समझूं, क्योंकि आपने इस पर जानकारी भी दी कि अलग से वार्ड बना दिया गया है, इलाज होता कैसे अगर ब्लैक फंगस का कोई शिकार हो चुका है और अगर शुरुआती तौर पर उसका ब्लैक फंगस डिटेक्ट कर दिया जाए तो उसका इलाज कैसे होगा? अगर कोई गंभीर स्थिति में पहुंचता है तो उसके लिए क्या कदम उठाए जाते हैं मेडिकल ग्राउंड पर? मेडिकल ग्राउंड पे जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति को हम लोग ब्लैक फंगस डिटेक्ट किया, जैसे कि कल ही रिसेंट में किया गया है, उसमें एक पेशेंट जो कि गंभीर अवस्था में पहुंचा है उसकी सर्जरी प्लान की जा रही है। जी जी, उसकी सर्जरी प्लान की जा रही है और बाकी जो मरीज 4 हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं, उनको एंटी फंगल दवाएं स्टार्ट की गई हैं, उनका स्टेरॉइड डोज कम किया गया है। स्टेरॉइड को बिल्कुल डोज देना बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ब्लैक फंगस के लिए स्टेरॉइड को बिल्कुल दोषी मान लें, क्योंकि स्टेरॉइड से करोड़ों जाने विश्व भर में बची है ये भी हम सब जानते हैं। जो हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस है जिसमें कि स्टेरॉइड भी बहुत कारगर चीज है, जी बस उसका ध्यान रखना है कि उसका अब्यूज ना हो, उसका बहुत ज्यादा तादाद में इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एंटी फंगल दवाइयों का जिक्र जब भी होने लगता है डॉक्टर समीर, तो लोग स्टॉकिंग भी करने लग जाते हैं, लोग उसको एहतियातन खाने भी लग जाते हैं। तो किन लोगों को खानी चाहिए वो दवा, क्या डॉक्टर से प्रिस्क्राइब होने के बाद ही खाना चाहिए, क्या उसके लिए एहतियात होने चाहिए? जैसा कि अभी पहले भी क्लियर कर दिया था कि इस तरह की कोई दवाई ये नहीं है कि जो प्रिवेंटिव आपको उस चीज से बचा लेगी, बल्कि वो नुकसान ही करेगी आपकी, वो रेजिस्टेंट हो जाएगी, फिर जिस समय आपको बीमारी होगी तो वो काम नहीं करेगी। तो ऐसी दवाओं को आपको बिल्कुल भी स्टॉक नहीं करना है क्योंकि जिसको जरूरत होगी उसको, जरूरतमंद को वो दवाई नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह की जो स्पेशलाइज मेडिसिन है ये आप नहीं प्रिवेंटिव ले सकते कि इसको खाया, ये कोई विटामिन नहीं है कि इसको आपने खाया और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपको ब्लैक फंगस नहीं। मैं आखिर में एक सवाल डॉक्टर विमल कारक, क्या कोई अनुपात ऐसा, कोई रेशियो ऐसा जिसमें हम आकलन कर पाए कि कितने दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, अभी कितने दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है और आने वाले समय में कितने की जरूरत सरकार को पड़ सकती है इन दवाइयों की? जितना बताया गया है जी,
एम्फोट्रेसिन और ये दवा जो है, इसको दोनों दवा यूज होती है जी, उसकी अभी कमी नहीं है। लेकिन जिस तरह से ऑक्सीजन गायब हो गया, जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना की दवाई रेमडेसिविर गायब हो गए, सबका ब्लैक होने लगा जी, इस पर प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को पूरा, ड्रग कंट्रोलर को इस पर पूरा एहतियात बदलना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ इसके लिए सरकार का, मैंने पहले ही कहा बिल्कुल, और कई राज्यों की सरकारें जो है, जैसा कि हमने अपने शो में भी डिस्कस किया, उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे दूसरी सरकार हो, इसके लिए कदम उठाना शुरू कर चुकी है क्योंकि मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन वक्त रहते माकूल कदम उठ जाए, इसके लिए जो आप लोगों ने सलाह दी डॉक्टर साहब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर समीर भाटी, डॉक्टर कीर्तिवर्धन, डॉक्टर विमल कारक हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बहुत अहम बात यह है ब्लैक फंगस के लिए, जैसा कि हमारे डॉक्टर्स ने कहा कि इसको वक्त रहते पहले तो डिटेक्ट करना है, डॉक्टर्स की सलाह लेनी है और डॉक्टर्स की सलाह के हिसाब से डॉक्टर जो दवाई बोले वो खानी है और इससे हम बच सकते हैं। क्योंकि ये बीमारी जो है वो पहले भी रह चुकी है, अब इससे लड़ाई इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि ये कोरोना के बाद हो रही है, लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वक्त रहते लोगों को इलाज दिया जाए। देश को जवाब दो में फिलहाल के लिए बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी हिंदुस्तान पर खबरें जारी।